बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रामतुल्ला ग्वादरी। आज आप लोगों को अस्तगफार के बारे बताऊंगा। जिस शख्स कसरत से अस्तगफार करेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया। उसने बोला कि मैं कौन से वजीफ़ा करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बेटा देगा। उसने बोला कि अस्तगफार पढ़े। दूसरा शख्स आया कि हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही, क्या करें। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने बोला अस्तगफार करें। एक शख्स आया कि मेरा माल में बरकत नहीं हो रहा है, मेरा माल में मतलब कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने बोला कि अस्तगफार करो। वो शख्स तो चला गया। हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स बैठा हुआ था। उसने बोला कि हजरत जी, आप सबको एक ही वजीफा क्यों बता रहा है। उसने बोला कुरान तो कह रहा है कि जिस शख्स अस्तगफार करेगा इसको औलाद मिलेगा, अस्तगफार करेगा इसको बारिश मिलेगा, अस्तगफार करेगा इसको बेटा मिलेगा। अस्तगफार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब बंद दरवाज़ों को खोलेगा। अस्तगफार करने से अल्लाह फाक माल में बरकत देगा, अल्लाह फाक राज़ी होगा। अस्तगफार की करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मतलब राज़ी करने की ज़रिया है। जितने अस्तगफार करोगे अल्लाह के करीब हो जाओगे। अल्लाह फाक माल देगा, औलाद देगा, सब कुछ देगा। इसकी वजह यह है कि अस्तगफार के माना तो यही है कि तौबा करना, गुनाहों से बचना, अल्लाह से नज़दीकी हो जाएगा। जिस बंदा जितने तौबा करेगा अल्लाह पाक के करीब हो जाएगा। अभी आप लोगों को ये अच्छा लगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाए। और नया वीडियो के साथ इंशाल्लाह नए मुलाकात हो जाएंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।